नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे मरीजों के बारे में जो कोविड-19 से उबर चुके हैं और उनके दोबारा संक्रमित होने और जान जाने का खतरा कितना है और कितना नहीं। इस बारे में कोविड-19 की इस लहर ने कई लोगों की जिंदगी छीन ली है। आलम यह है कि जो भी पॉजिटिव आ रहा है उन्हें सिर्फ एक बात का डर है कि क्या वो कल की सुबह दोबारा से देख पाएंगे या नहीं। हालांकि कई लोगों के मन में यह भी आशंका रहती है कि कोविड-19 की चपेट में आने के बाद दोबारा से अगर वो व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो क्या इस बार वायरस और तेजी से शरीर पर आक्रमण करेगा या नहीं। हालांकि इन सभी सवालों का जवाब आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। मेरी जानकारी के अनुसार जो लोग एक बार कोविड-19 वायरस की चपेट में आ चुके हैं या फिर टीका ले चुके हैं उन्हें दोबारा वायरस की चपेट में आने पर भी जान जाने का खतरा सबसे कम होता है। ऐसे लोगों के शरीर में बनी एंटीबॉडी उनकी रक्षा करती है। हालांकि यह एंटीबॉडी कितने दिनों तक बरकरार रहेगी इसको लेकर डॉक्टर अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नजर नहीं आ रहे हैं। विशेषज्ञों का यह जरूर मानना है कि दूसरी लहर में वायरस की चपेट में आने वाले लोगों ने प्राकृतिक टीका हासिल कर लिया है। ऐसे में अगर वो टीका लगवा लेंगे तो उनका कवच और अधिक मजबूत हो जाएगा। इसको लेकर डॉक्टर सभी लोगों को टीका लगवाने की अपील भी कर रहे हैं। बिहार की बात करें तो पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस और पटना एम्स आदि अस्पतालों में कोविड-19 से जान जाने वाले मरीजों और संक्रमित लोगों के डेटा का रोजाना विश्लेषण किया जा रहा है। इसमें चारों मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टर ने यही पाया है कि कोविड-19 से जान गंवाने वालों में से 80% मरीज मिले हैं जो पहली बार संक्रमित हुए थे और उन्होंने टीकाकरण नहीं करवाया था, जबकि 20% जान गंवाने वाले लोग पहले ही अन्य बीमारियों से ग्रसित है। हालांकि इनमें से कुछ लोगों ने टीके के दोनों डोज लगवाए हुए थे। इससे एक बात साफ होती है कि जिन लोगों ने टीकाकरण कराया है और पहले से वायरस की चपेट में आ चुके हैं उन पर म्यूटेशन के बाद भी वायरस का असर कम हुआ है, यह भविष्य के लिए काफी ज्यादा अच्छे संकेत है। हालांकि अभी इस मामले पर शोध जारी है और अलग अलग माध्यम से प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं। इसी बीच अगर राजधानी पटना के बड़े अस्पतालों के डॉक्टर की माने तो पटना एम्स के कोविड-19 के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार का कहना है कि एक बार शरीर में एंटीबॉडी बन जाने पर कोविड-19 के नए स्ट्रेन का असर कम देखने को मिलता है। जो लोग टीकाकरण करा चुके हैं या फिर एक बार कोविड-19 की चपेट में आ चुके हैं उनके संक्रमित होने पर ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है। इसलिए हम लोग सभी लोगों को टीकाकरण लगाने की बार बार अपील कर रहे हैं। टीकाकरण कितने साल तक काम करेगा इसका भी अध्ययन देश स्तर पर वैज्ञानिक की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है। इस मुद्दे पर आईजीआईएमएस के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल की माने तो उनका कहना है कि अभी तक किसी भी वैक्सीन निर्माता कंपनियों ने 100% एफिकेसी के डाटा साझा नहीं किए हैं। इसलिए दोनों वैक्सीन लगवाने के बाद भी माइल्ड कोविड-19 या बिना लक्षण वाले कोविड-19 होने की आशंका जताई जाती है। एंटीबॉडी भी अलग अलग लोगों के शरीर में अलग अलग समय पर विकसित होने की जानकारी मिल रही है। ऐसे में टीका लगवाने के बाद भी मास्क का जरूर प्रयोग करना चाहिए और घर से बाहर कम से कम निकलना चाहिए। इसके साथ ही पीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर आईएस ठाकुर ने इस मुद्दे को लेकर अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि रैंडम जांच जब मरीजों का किया गया तो यह पाया गया कि जो लोग पहले कोविड-19 की चपेट में आए थे वो नए स्ट्रेन से संक्रमित हुए पर अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ा। वहीं जिन लोगों के अंदर वैक्सीन लगवाने से पहले एंटीबॉडी मौजूद थी उनके अंदर वैक्सीन लगवाने के बाद एंटीबॉडी बनने में तेजी आई, जबकि वैक्सीन लगाने से पहले जिनकी बॉडी में एंटीबॉडी नहीं थी उनके शरीर में पहली डोज लगने के 14 दिन से एंटीबॉडी बननी शुरू हो गई। जिसके बाद से सभी लोगों का यही कहना है कि जो लोग भी कोविड-19 की बीमारी से उभर चुके हैं वो आने वाले समय में सावधान रहे लेकिन डरे नहीं, क्योंकि लगातार विशेषज्ञ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि दूसरी लहर के बाद कोविड-19 की तीसरी लहर का सामना भारत को जल्द ही करना पड़ सकता है। ऐसे में जो लोग संक्रमण का शिकार हो चुके हैं और किसी तरीके से इस बीमारी को हरा चुके हैं उनके मन में एक बार फिर से संक्रमित होने की चिंता साफ तौर पर देखने को मिलती है। हालांकि विशेषज्ञों ने यह साफ कह दिया है कि जो भी लोग दोबारा से इसकी चपेट में आते हैं उनके जान गंवाने की संभावना सबसे कम बताई गई है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। तब तक के लिए धन्यवाद।